माँ आदिशक्ति की पूजा शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है और उसी के साथ साथ अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के बनने की भी शुरुआत हो रही है। जहाँ एक ओर भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, वहीं अयोध्या में पहली बार वर्चुअल रामलीला हो रही है। और ख़ास बात यह है कि उस रामलीला में जो फिल्मी एक्टर्स हैं वो इस पूरी रामलीला में अपना रोल अदा करेंगे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी जो स्टेज है बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया जा रहा है। इसी स्टेज पर वर्चुअल रामलीला किया जाएगा और इस रामलीला में फिल्मी हस्तियां काम करेंगी। दो बीजेपी के सांसद हैं, भोजपुरी स्टार हैं मनोज तिवारी, वो काम करेंगे। इसके अलावा जो है गोरखपुर से सांसद हैं, वो काम करेंगे रवि किशन। और इसके अलावा बहुत ऐसे हस्तियां हैं जिसमें असरानी हैं वो रहेंगे, बिंदु दारा सिंह हैं वो रहेंगे। तो तमाम हस्तियां अयोध्या में रहकर भगवान श्री राम की रामलीला में शामिल होंगे। ये इतनी बड़ी चीज़ है। और हमारे साथ कुछ ऐसे कलाकार हैं जो दिल्ली और मुंबई से आए हैं और ये इसी रामलीला में एक सुंदर सा रोल अदा कर रहे हैं। आप पार्वती का रोल अदा कर रही हैं और इसके अलावा आप जो है आप बहुत अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं उस कैरेक्टर्स में आप दिखेंगी। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे कि अयोध्या की रामलीला में आप यहाँ पे आई हैं कैसे, इससे पहले भी रामलीला आपने की है तो क्या है? जय श्री राम। मेरा नाम स्नेहा भारद्वाज है और मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। आई एम ए प्रोफेशनल मॉडल एंड एक्ट्रेस। मैंने बहुत सारे मॉडलिंग शोज़ किए हैं, एज अ ज्यूरी भी बहुत सारे शोज़ अटेंड किए हैं। एंड देन मेरी अपकमिंग मूवी आने वाली है खुदाई, जो बॉलीवुड है, जो ऑल इंडिया रिलीज़ होने वाली है। और मैं बता दूँ, मैंने कभी रामलीला नहीं की है, फर्स्ट टाइम है मेरा। और इसके लिए मैं परवेज सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने मुझे ये पार्ट बनाया, जो अयोध्या में बिगेस्ट, मतलब वर्ल्ड बिगेस्ट होने वाली है रामलीला, उसका मुझे हिस्सा बनाया। और एक महीने से हम लोगों की इतनी ट्रेनिंग कराई है, इतने अच्छे से प्रैक्टिस कराई है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और पहला रोल भी मेरा ही है, तो थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ, बिकॉज फर्स्ट टाइम है मेरा रामलीला का। और इतने बड़े बड़े कलाकार हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके कि जहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ वहाँ हमें काम करने का मौका मिल रहा है और उन्हीं का, मतलब उन्हीं के लाइफ का पार्ट को हम निभाने का मौका मिल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगेन मैं परवेज सर को थैंक यू बोलूँगी बिकॉज उन्होंने हमें ये मौका दिया है हमें लाके। तो ये बड़ी, आप देख सकते हैं ये कलाकारों में कितनी ज़्यादा खुशी है। आप भी क्योंकि यहाँ पे बाहर से आई हैं और भगवान श्री राम की नगरी में हैं, कैसा लग रहा है और किस रोल में रहेंगी, एक बार अपना परिचय देंगी? नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका शर्मा दिल्ली से और मैं अपना जो रोल निभा रही हूँ वो है शूर्पणखा में विश्व सुंदरी उसका, और वेदवती जो बिल्कुल ही अलग करेक्टर है। अगर हम दोनों करेक्टर को मैच करते हैं तो वेदवती जो सीता का पहला अवतार थी उसमें मैं पहले प्ले करूँगी शहबाज खान के साथ। फिर जो दूसरा करेक्टर रहेगा वो शूर्पणखा, वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है, जैसे कि वो लटके उसके नखरे, उसके उसमें परफॉर्मेंसेस भी रहेंगी। रति जो कामदेव के साथ अलग करेंगी। तो ये सब कुल मिला के अगर हम ये सब चीज़ों का क्रेडिट दें तो प्रवीण सर ने हमें जिस तरीके से तैयार किया है अयोध्या के लिए कि भाई तुम अयोध्या जा रहे हो, तुम ये सोचना कि वो राम की जन्मभूमि है और तुम कितनी लाखों संख्या में आप राम को छोड़ के एक रामलीला का पार्ट बन रहे हो, तो उसको ऐसे निभाना कि जैसे कि वो तुम ही हो उस करेक्टर को। तो ये सब चीज़ें करने के बाद हमें ये लगा कि हम इस जर्नी तक यहाँ तक पहुँचे हैं और एक महीने की हमारी जो मेहनत रही है, पूरा हमने हार्डवर्क किया है सभी टीम ने, सभी मेंबर्स ने, तो ये सब पॉसिबल इस वजह से हो पाया है बिकॉज ऑफ ये राम की अयोध्या होने जा रही है। इसके लिए हम एक्साइटेड थे कि हाँ कुछ हम अच्छा करने जा रहे हैं। और मैंने कभी रामलीला ये सब नहीं किया है पर इस माध्यम से करने का मौका मिल रहा है, तो मैं उनको शुक्रिया अदा करूँगी, जो बॉबी मलिक हैं, जो इस जिन्होंने ये मेरी माँ जो फाउंडेशन है उन्होंने जिस चीज का सहयोग दिया है, प्रवेश सर की टीम है, इन सभी आपको मिला के शुक्रिया अदा इस वजह से करूँगी क्योंकि मैं इस चीज़ का पार्ट बनी हूँ और सभी इस चीज़ का पार्ट बने कि सब अपना रोल अलग अलग प्ले कर पाएँ। अच्छा, क्योंकि भगवान श्री राम की नगरी है और आप इस समय अयोध्या में, कुछ ही दूरी पर भगवान राम का जन्म हुआ था, कितना अच्छा फील हो रहा है कि राम की नगरी में आप यहाँ पर रामलीला कर रही हैं? जी सर, ये तो शब्द ही नहीं है ना, हम इस जगह पे आए हैं ना, यही सबसे बड़ी बात है
शब्दों से बोले जाते कि हम कुछ विस्तार कर सकें, उस चीज़ को बोल सकें, कुछ कह सकें। हम यहाँ पे आ गए ना तो हमारे धन्य भाग है, क्योंकि हम इस नगरी में आके उनका रोल प्ले कर रहे हैं, उनके करेक्टर को निभाना सबसे बड़ी बात, और राम की जगह पर निभाना उस चीज़ को जहाँ पे राम मंदिर है उनका, जहाँ अयोध्या में जिनकी जन्मभूमि ही वो राम है, और उस जगह पे करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। तो ये भाव हैं उन कलाकारों के जो राम, भगवान श्री राम की जन्मस्थली के नज़दीक ही लक्ष्मण किला में रामलीला करने जा रहे हैं, और इतना ज़्यादा उत्साह इस रामलीला को लेकर है कि इनके पास शब्द ही नहीं हैं कि दिल्ली और मुंबई से आके भगवान राम की नगरी में रामलीला कर रहे हैं। ये अपने आप को बेहद धन्य मान रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि 17 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, 25 अक्टूबर तक ये रामलीला होगी। शाम के समय इस रामलीला को वर्चुअल तरीके से आप विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जो सोशल मीडिया के हैं उसमें आप देख सकते हैं, और ये पहली बार अब की ऐसा है कि अयोध्या में फिल्मी कलाकार यहाँ रामलीला कर रहे हैं। मनमीत गुप्ता, जी मीडिया, अयोध्या। सफर पर हैं और ढूंढ रहे हैं खबर, खबरों में ढूंढ रहे हैं अपना शहर, टॉप न्यूज, ब्रेकिंग और हर अपडेट, तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, हिंदी के साथ 5 भाषाओं का पंच, सबसे नया, सबसे अनूठा न्यूज ऐप, बस एक क्लिक दूर, जी हिंदुस्तान, डाउनलोड करें और बाखबर रहें।